अस्सलाम वालेकुम साथियों, परफ्यूम्स की जो हमारी रेंज है हम उसके सामने इस वक्त मौजूद हैं। और असल मकसद हमारा आज ये परफ्यूम्स दिखाने का ये है कि हम इनके बारे में आपको बता सकें कि कौन सा परफ्यूम जो है वो किस तरह का है, आप कौन सा ट्राई करें, किसकी पसंद का कौन सा हो सकता है। उससे ये है कि आपको ये नॉलेज मिल जाएगा। तो कतन हमारा मकसद यहाँ पर जंगे अजीम का आगाज करना नहीं है। और हमारी ये कलेक्शन है, हम परफ्यूम्स को हमेशा से ही पसंद करते रहे हैं। हम जब होश हमने संभाला तो हमने अपने घर में एक बहुत अच्छी रेंज परफ्यूम्स की देखी। 1965 की भी अब्बा जान की बहुत सी तस्वीर हैं, 1964-65 की, जिसमें अब्बा जान आइफिल टावर के साथ खड़े हुए हैं। और जाहिर है उनका फ्रांस के दौरे वगैरह या दुनिया के, अमेरिका के, कनाडा के दौरे वगैरह जो थे वो होते रहते थे उस जमाने में। और उस जमाने से आज तक हमारे घर में दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन परफ्यूम जो है वो मौजूद था। हमने होश ही उस माहौल में संभाला जहाँ पर खुशबुओं को बहुत अप्रिशिएट किया जाता था, उनके बारे में जाना जाता था। तो शायद ये चीज़ हमने इनहेरिट की और अभी तक हम यकीन करें कि उन्हीं खुशबुओं को तलाश करते हैं और उन्हीं को पसंद करते हैं जिनमें हमने होश संभाला है। उनके करीब करीब की खुशबू को ही खुशबू जो है वो हमारे दिल को भाती है। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ परफ्यूम्स दिखाई देंगे। इधर हमारे मियाँ साहब की रेंज है, वो तो सिंपल से इंसान है, हम जो ले दें वो लगा लेते हैं, उनकी अपनी सादी सी पसंद है। हम शौकीन हैं इस मामले में तो हम ला ला के उनके लिए रखते रहते हैं। लेकिन वो परफ्यूम लगाते बहुत हैं, जैसे जितनी बार वॉशरूम जाएंगे बाहर निकलेंगे, यहाँ सामने ही पीछे हमारे वॉशरूम का डोर है, तो वॉशरूम की जो एंट्रेंस है वो हमारी इस वॉक इन वार्डरोब से जाती है। तो हर वक्त उनके, बल्कि जो डूना है, रजाई है, अगर कभी हम उनकी साइड की रजाई हमारी तरफ को आ जाए तो हमें पता लग जाता है कि ये उनका हिस्सा है, क्योंकि उसमें से भी खुशबू आ रही होती है। तो बहुत ही टाइडी से, बहुत ही खुशबू वाले इंसान है वो। तो अल्लाह का शुक्र करते हैं ऑनेस्टली इस बात पर और उनकी इस आदत पर, जो बहुत ही सफाई और सादगी, और हमने उनको वैसे भी उनकी पर्सनैलिटी में भी जिंदगी भर देखा, वो पसंद नहीं करते हैं इस किस्म की बात बताना कि हम दुनिया के सामने करें, कि वो हर वक्त ही बावजू रहते हैं। हर वक्त जैसे कहीं जाएंगे भी, हम कहीं लंच भी करने जाएंगे, वो आएंगे जब वहां से मुंह हाथ हाथ धोकर खाना खाने के बाद, तो उनकी आस्तीनें जो है वो नीचे कर रहे होंगे, वुजू करके आ रहे होंगे। उनकी आदत जिंदगी भर ये रही, तो होनी चाहिए, अपनानी चाहिए। बहुत मुमकिन है कि हमारी इस बात से बहुत से साथी जो हैं वो इस बारे में सोचें कि वो ये भी कर सकते हैं। तो हम, बल्कि बच्चे और हम जो हैं, बाज़ औक़ात कहीं जाएं थोड़ी देर हो जाए इन्हें आने में, तो हम हंस रहे होते हैं कि वुजू कर रहे होंगे खड़े। तो ये इनकी आदत है, प्यारी आदत है, इस वजह से हमने शेयर कर दी। लेकिन अगर उन्हें पता लगा कि हमने बताई है तो हमारी शामत जो है वो आएगी। वो पसंद नहीं करते उनके बारे में इस किस्म की बात बताना। तो हम तो हैं ही बावी, तो कह देते हैं। बाकी परफ्यूम्स का ये है कि हमारे अब्बा जान, जब हमने होश संभाला, हमें पता नहीं था कि कितनी कीमती चीज़ होती है या क्या है। जब हमने होश संभाला तो हमारे घर में एस्टी लॉडर का ये परफ्यूम था। हमें सबसे पहला या दूसरा परफ्यूम जो याद है उस घर का वो ये है। अब्बा जान की वफ़ात से थोड़े दिन पहले अब्बा जान आए हमारे पास और कहते, बेटा कोई अच्छा सा परफ्यूम है तो लगा दो। तो मुमकिन है वो अपने यूजुअल जो लगाते हों उससे थक गए हों, आफ्टर शेव वगैरह या जो भी होगा, या चाहते होंगे कोई ख़ास हो और हमें पता है इन चीज़ों का शायद, इसलिए कि 25-26 साल पहले की बात है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो, वफ़ात से चंद दिन पहले। तो हमने उनको एस्टी लाउडर का ये परफ्यूम जो है, यूथ ट्यू, ये अपना लगा दिया थोड़ा सा। और वो बॉटल जिसमें से हमने उन्हें लगाया था वो आज तक हमने संभाल के रखी हुई है। उसका ये जो इलास्टिक है ये ढीला पड़ चुका है वक्त के साथ, गल गया है, लटक रहा है, वो भी पुरानी हो गई, उम्र दिखती है उस बॉटल पे। और उसका जो लिड है वो भी पुराना सा है। दिल भारी हो जाता है जब हम उस बॉटल को देखते हैं, लेकिन हमारे अब्बा ने उसमें से लगाया तो आज तक हमने वो बॉटल जो है संभाल के रखी हुई है। आधी होगी उसका जो परफ्यूम है उसका कलर भी डार्क हो चुका है अब, इस तरह का लाइट थोड़ा सा कलर जो है ब्राउन वो नहीं रहा हुआ। तो ये खुशबू जो है यूथ ड्यू एस्टी लाउडर की, एक यूनिक खुशबू है, एक बिटरनेस है इसमें, एक स्पाइसी खुशबू है,
हजारों खुशबुओं में से अलग से पहचानी जाती है। एक ऐसी खुशबू नहीं है जिसको हर कोई पसंद करे। तो हालांकि ये एक लेडीज का परफ्यूम है, लेकिन हम इसको नहीं कहेंगे कि 100% एक लेडी की खुशबू इसमें से आती है, क्योंकि इसमें स्पाइसेस हैं, इसकी खुशबू स्पाइसी है। तो अच्छी है, एस्टी लाउडर के काफी परफ्यूम्स हैं जो अच्छे हैं। ये भी उनमें से एक अच्छा परफ्यूम ही है, लेकिन हर किसी की पसंद का नहीं है। बास परफ्यूम्स ऐसे होते हैं कि हर किसी को पसंद आते हैं, अच्छी खुशबू है, आम होते हैं। बास परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जो आप लगाएं, खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपकी तबीयत उससे खराब होने लग जाती है, या किसी ने लगाया हुआ हो तो तबीयत खराब होती है। और मोस्टली मोस्टली वो महंगे परफ्यूम होते हैं, वो सस्ते परफ्यूम नहीं होते। जो एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं उनको यूनिक बनाने के लिए शायद वो कैरिड अवे हो गए होते हैं बनाने वाले, जिसकी वजह से उन परफ्यूम्स से दिल घबरा जाता है। लेकिन बिलाशुबा वो खुशबुएं लास्टिंग हैं, रहने वाली हैं, एक्सपेंसिव हैं और पहचानी जाने वाली हैं। यहाँ पर अब हम पहले आपको मियाँ साहब की जो कलेक्शन है वो दिखा देते हैं। वो सारी ही हमने ही कलेक्ट की हुई है, खैर कुछ अभी ऐसे होंगे जो उन्होंने खोले नहीं हुए। एमवाज जो है इसकी रेंज एक एक्सपेंसिव रेंज है, और कमीज धो के भी जब आप इस्त्री करें तो इसकी खुशबू जो है वो आप में से आएगी। तो एक रहने वाली खुशबू है, प्यारी खुशबू है, ऐसी नहीं है कि जो हाथ लगा आपने उठा ली जाते जाते। मोस्टली हमने ये एयरपोर्ट से ही खरीदी हुई हैं, या डेविड जोन्स वगैरह पे, या मायर वगैरह पे ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में दस्तयाब हैं। ये जो है ये हम आपको दिखाएं, इसकी बॉटल भी हमारे एक हाथ है। नाम वगैरह का ये है कि पढ़ लें आप खुद। असल प्रोनाउंसिएशन जो इन नामों का है वो तो बिलाशुबा वही लोग जानते हैं जो इनको बनाने वाले हैं। हम अगर लें उल्टा पुल्टा नाम तो ये ठीक ना होगा। तो खुद से देख लें, खुद पहचान लें और बॉटल को देख लें, और चाहें तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। हमको ये वाला जो है ये पसंद है, एमवॉज का। दूसरा जो हमें पसंद है वो एमवॉज गोल्ड है। उसमें हमारे पास लेडीज का भी है, मेन का भी है, दोनों बहुत अच्छे हैं। ये वाला जो है इसको भी खोल के दिखा देते हैं। ये वाला जो है बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत यूनिक, बहुत अच्छी। डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इसमें क्या है, इनमें क्या है, लेकिन बहरहाल स्ट्रांग खुशबुएं हैं, लास्टिंग खुशबुएं हैं, पहचानी जाने वाली खुशबुएं हैं। किसी ने लगाया होगा तो यहाँ पर बहुत से परफ्यूम्स ऐसे हैं कि आपको पता लगेगा कि किसी ने क्या लगाया हुआ है। ये हमारी पसंद के हैं इसलिए हमने ये ले रखे हैं। और ये वाला भी बहुत अच्छा है, इसका पता नहीं खुला हुआ कहाँ है। और एक जो परफ्यूम जो सबसे पहला था एमवॉच का, अब अल्लाह खैर करे इस अलमारी पर तो इसको हम खराब ही ना कर दें। तो ये हमारी जो यहाँ पर चीजें रखी हुई हैं, मियाँ साहब ने तो अपने परफ्यूम जो इसके बाद के भी, जैसे स्टॉक भी उनका यही है एक दो, बाकी हमने गैराज में रखे हुए हैं। ये खुशबू जो है ये बहुत अच्छी है। ये देखिए इसका नाम, जुबिलेशन या कुछ इस तरह का नाम है। तो ये भी बहुत अच्छी है, इसकी मेरा ख्याल है एक बॉटल इन्होंने ख़त्म, बड़ी जो थी वो ख़त्म हो गई है, तो ये अब छोटी इन्होंने लगा रखी है। तो ये हमारा ख्याल में हम इसको एक को यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि हम आपको बाकी के दिखा सकें आराम से। ये परफ्यूम टॉम फोर्ड का, बहुत इसका शोहरा हुआ, नाम इसका अमूमन काट के रखा जाता है, जाहिर है एक अब्यूज, एक गाली है यहाँ आपको दिखा दिया। शोहरा हुआ हमने ले लिया, बहुत कीमत इसकी पे की, और खुला हुआ भी यहाँ पर है, बेटी ने भी लिया, बेटे ने भी, हमने भी, बड़ा नाम है चलो देखें। लेकिन ऑनेस्टली टॉम फोर्ड की इससे कहीं बेहतर और खुशबुएं हैं इसकी निस्बत, तो इतना पैसा इसके ऊपर देना वर्थ नहीं है। ना ही कोई इसकी खुशबू इसके नाम की तरह कैची है या मशहूर है। तो एक आम सी चीज़ है, हमारी नज़र में ये कोई ख़ास नहीं है, हम नहीं जानते कि इसको इतने अवार्ड्स वगैरह और ये वो जो है ये क्यों मिले हैं। तो हम ना ख़रीदें, अगर हम जैसे नाम को ना जानते, बहुत बड़ी शोर शराबा ना पड़ता ज़माने में, तो शायद हम इसको खुशबू सूंघ कर कभी ना लेते। बाकी
ये वो खुशबुएं हैं, जैसे ये जो हमने आपको यहाँ दिखाई है ये वाली एमवॉच की, ये रोजाना के इस्तेमाल की नहीं है, कहीं इवनिंग में वीकेंड्स वगैरह पर इस तरह पर, या कहीं मीटिंग वगैरह हुई बड़ी आपने वहां जाना हुआ तो आप ये लगा सकते हैं। जो यहाँ पर रोजाना की खुशबुएं हैं वो भी हम आपको साथ साथ बता देंगे। तो ये शनेल ब्लू है, मियाँ साहब को बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है। वैसे पूछो कि कौन सा लगाया है, बड़ी अच्छी खुशबू है, तो कहते हैं कि अच्छा नहीं मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन लगा के वो वही फिर रहे होते हैं जो हमको पसंद होती है। और ये विसाची का है, ब्लू इसकी बॉटल है, अब पूरा नाम का हमें नहीं पता इसका क्या है, बहरहाल अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू है। अरामिस को कौन नहीं जानता है, एक जमाने से हमारे यहाँ के मर्द हजरा जो हैं वो इस खुशबू से वाकफियत रखते हैं, और हमारा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसी अलमारी होगी किसी हजरत की जिसमें अरामिस मौजूद नहीं होगा। तो एक जमाने से दरमियानी रेंज का परफ्यूम है, बहुत महंगा नहीं है, और खुशबू इसकी इसकी प्राइस की निस्बत बिलाशुबा लाजवाब है। आप इसकी खुशबू को बीट नहीं कर सकते, बहुत सिगरेटी सी, बहुत स्पाइसी सी, बहुत स्ट्रॉन्ग लास्टिंग खुशबू है, पहचानी जाने वाली हजारों में से एक। ये भी आप हर दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, रोजाना का जो परफ्यूम है वो ये भी हो सकता है सफारी, इसकी भी स्पाइसी खुशबू है, मैनली सी है, बहुत अच्छी खुशबू है, प्राइस रेंज भी इसकी अच्छी है। इसी तरह एरामिस और सफारी राल्फ का है, ये राल्फ लॉरेन का, और अच्छा है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। तो एक तरह से जो एरामिस है उसको हम अगर आदमियों के लिए 100 में से 80 देते हैं रोजाना के लिए, तो सफारी को भी हम 100 में से 80 ही देते हैं। तो इस तरह की ये खुशबू है कि अगर आप रोज एक से थक जाएं तो आप दूसरा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉम फोर्ड जो है, यूनिक ब्यूटीफुल खुशबुएं इन्होंने कमाल किया है, एक नई रेंज है जमाने में आने वाली टॉम फोर्ड की, और खुशबुओं के लिहाज से वाकई ये बहुत से पिछलों से आगे आ गए हैं हमारी नज़र में। क्रीड है, एक्सपेंसिव रेंज है, और इसका नाम जो है हम इधर हो के आपको दिखाएं, हम ही नाना दिख जाएं, साथ ही परफ्यूम से ज़्यादा हमें देखने लगते हैं कि बजिया कैसी दिखती हैं। ये परफ्यूम है, ये भी हाई एंड परफ्यूम आप कह सकते हैं, एमवॉच की तरह ही एक तरह से, टॉम फोर्ड एमवॉच, लेकिन टॉम फोर्ड की ये वाली रेंज जो है इस तरह की, या इस तरह की जो है ये इस रेंज की तरह की नहीं है, प्राइस वाइज ये थोड़ी कम है, लेकिन खुशबुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन यू पे फॉर द क्वालिटी। ऑनेस्टली परफ्यूम्स में ये बात ज़रूर है कि वाकई आप अगर पैसा खर्चते हैं तो वो पैसा खर्चना वर्थ होता है, लेकिन आप ध्यान से लें, इतने ना लें कि रखे रखे ही वो ख़राब हो जाएं। मौसम अच्छा हो जिन ममालिक का उधर तो ख़राब नहीं होते, हमारा भी कभी ख़राब नहीं हुआ परफ्यूम, यहाँ पर जो है हम रोज़ाना के यूज़ करने वाले हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बॉटल हमने खोली हो और कहा हो कि ओहो ये तो ऑफ हो गया तो इसको फेंकना पड़ा हो। ये है शनेल ब्लू, रोजाना के लिए आइडियल है, एक ये और एक डॉल्चे गबाना का परफ्यूम होता है, सफारी हुआ, शनेल ब्लू हुआ, डॉल्चे गबाना हुआ, ये ऐसे परफ्यूम्स हैं जो आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, दिल नहीं घबराएगा, खूबसूरत खुशबुएं हैं, सिंपल माइल्ड सिट्रसी, जेंटलमैन के लिए बहुत अच्छी हैं। बाकी एरामिस के इस तरह के ये जो हैं ये रेंज, ये भी बहुत अच्छी है, तबीयत घबराए दिल भर जाए, एक ये है, एक उसके ऊपर ब्राउन गोल्डन सा रस्टिक सा पेपर होता है, बिल्कुल बॉटल उसकी भी ऐसी है, वो भी बहुत अच्छा है। अब एवान जो है वो ले गया है यहाँ से कहीं उठा के, उससे भी बचाना पड़ता है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर हम साथ के साथ वापस भी रखते हैं, आदत से मजबूर हैं। फिर आपको बाकी की जो है वो दिखाते हैं, तो इधर से ये जो है ये अरमानी गोड है, पता नहीं इसकी खुशबू कैसी है, सुना था अच्छी है, ले आए, ट्राई नहीं की कभी मियाँ साहब ने। बाकी अभी जो लुई विटॉन है उसने परफ्यूम्स की रेंज निकाली है, उनका ये परफ्यूम हमें अच्छा लगा, और वाकई अच्छी है, उनके परफ्यूम्स जो हैं हम उम्मीद नहीं रखते थे, ये टर्बुलेंस जो है इट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस, उनके परफ्यूम की जो रेंज है वो अच्छी है,
उसमें दो तो हमें बहुत अच्छे लगे थे, दूसरे का अब हम नाम भूल गए, लेकिन ये एक बॉटल जो है ये हमने वहाँ से पिक की थी, हमें अच्छा लगा और यूज़ भी हम इसको करते हैं। बाकी ये अब अल्लाह जाने कौन कौन सा, ये भी अरमानी कोट है, हम इसके बारे में इतना नहीं जानते। बर्बरी के परफ्यूम्स डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, बास तो बहुत ही अच्छे हैं, और जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं दिन रात रफली, वो पता नहीं कहाँ है, वो फिर रहमान मियाँ ले गए होंगे, तो यहाँ पर वो आज हमें दिखाई नहीं दिया है। अच्छा, ये जो परफ्यूम है बड़ा ही मज़े का है ऑनेस्टली, कि हमें इसमें से उबटन की खुशबू आती है। हमें पुराने ज़माने में जब दुल्हनों को उबटन लगाया जाता था, इसकी वैसी खुशबू है, इसमें वो टच है उस खुशबू का। हमें नहीं पता ये कितने का है, कैसा है, क्या इसका नाम है ज़माने में, लेकिन इसको हम इसकी खुशबू के लिए लेके आए हैं ऑनेस्टली, और अच्छी लगती है। बहुत नहीं लगाया हुआ, और ये हमें बहुत पसंद है मियाँ साहब के लिए। ये भी सिट्रसी है, सिट्रसी खुशबुएं हमें अच्छी लगती हैं। जैसे अभी हम दिखाएंगे, कौन सा वाला है, नाम भूल जाते हैं, नाम तो हमें इंसान का याद नहीं रहता, परफ्यूम का कैसे रहेगा। बहुत अच्छा है, ये भी सिट्रसी है, वेरी नाइस। और अरमिस एक और, इसका इसको भी उठा कर तो रखना चाहिए। और ये जो है ये कैल्वन क्लाइन का है हमारे ख्याल में परफ्यूम, पता नहीं कैसा है। और ये वाला जो है ये भी अच्छा है, इसका भी हमें नहीं पता कैसा है, बहरहाल अच्छा लगा होगा तो ले आए। तो ये हमारे मियाँ साहब के थे परफ्यूम्स। बाकी टॉम फोर्ड की जो रेंज है वो तो कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे हम कर लें चाहे मियाँ साहब कर लें। तो जो बॉयज़ की है, ये जो बाकी जो सारे रोज़ और जैस्मिन और ऊद वगैरह वाले जो परफ्यूम्स हैं टॉम फोर्ड के, वो तो लेडीज़ यूज़ करें, लेकिन जो दूसरी खुशबुएं हैं वो हजरात के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये क्लिप जो है ये 17 मिनट्स का हो गया, तो हम दोबारा से हाजिर होते हैं दूसरी लेडीज की रेंज के साथ। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।